हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस, आज है संडे, तो पाजी को जाना पड़ रहा है। आज कुछ काम आ गया है तो जा रहे हैं पाजी। और अभी बज रहे सुबह के 8, और बस मैं उठा ही हूँ। दूध भी मैं लेके आ चुका हूँ। और मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत ज्यादा वो हो रहा है, कोहरा हो रहा है बहुत ज्यादा। और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, मैंने अभी देखा है तो अभी टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली में, अभी 8 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोहरा कैसे हो रहा है, और छत पे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। चलो। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ छत पे जाने से पहले, जो मैं हर बार बोलता हूँ। तो जो चैनल पे नया है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप भूल जाते हो फिर, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। एक नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दो। और साइड में एक बेल आइकन का भी बटन आ रहा है, उसको भी हिट कर दो। उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और आप उस नोटिफिकेशन को भी दबा के सीधा व्लॉग पे पहुंच जाओगे, और आप पूरा व्लॉग हमारा देख सकते हैं फिर। तो दबा दो उसको भी। तो गाइस आ गए हैं ऊपर, और ठंड के मारे गाइस मेरी कुंडी भी ढंग से नहीं खुल रही है, देखो, क्योंकि हाथ बहुत जाम से लग रहे हैं ना, तो ठंड कुंडी भी नहीं ढंग से खुल रही। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ छत पे, और ये देखिए आप, कोहरा देखिए कि कोहरा कितना जबरदस्त हो रहा है। ये देखो हो रहा है ना गाइस, तो ठंड आ चुकी है, ठंड हो रही है जबरदस्त, और मुंह से बहुत तगड़े वाला धुआं निकल रहा है। ये देखो बहुत तगड़े वाला निकल रहा है, और बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ये देखो, ये कन्हैया भी करके दिखा रहा है। हाँ कन्हैया, ठंड हो रही है, चल नीचे चल। तो देखिए गाइस आप, कितनी ठंड हो रही है, कोहरा देखो कितना तगड़ा हो रहा है। हाँ, तो अब चलते हैं नीचे ही, ठंड हो रही है, नहाते हैं, और नहाने के बाद आपसे मिलते हैं सीधा। चलो। तो दोस्तों, मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, और भैया भी नहा के रेडी हो चुका है, और मैं तो मंदिर से भी आ गया हूँ, और भैया भी आ गया मंदिर से। तो गाइज, मैंने देखो कपड़े कितने पहन रखे हैं, क्योंकि मंदिर जाते समय ना थोड़ी चेस्ट पे हवा लगती है, तो इस वजह से थोड़ी सेफ्टी वाली चाहिए। तो ये देखो अंदर इनर है, फिर ट्रैक सूट है, और फिर ये हुडी है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा कपड़े ज्यादा पहन रखे है। और एक हाथ में मेरे जल भी होता है, तो वो हाथ भी सुन हो जाता है, क्योंकि हवा चल रही है ना, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है बाहर। और ये भैया भी आ गए हैं, ठंड भी तो भयंकर हो रही है बाहर। और ये कन्हैया, हम तो नहा चुके हैं, पर ये कन्हैया अभी नहाया नहीं है, क्योंकि अभी जब धूप आएगी तब नहाएगा, तो ये ऐसे खेलता रहता है। और गाइस ये देखो, ये भैया है ना, सो सो के चला जाता है, और ये थोड़ा तय वह नहीं करता कपड़े, तो अभी मैं इनको सेट करता हूँ, इनको इनकी अपनी जगह पे रखता हूँ, इनको जहाँ इनकी जगह, तो अब देखते रहो बस। और फिर इनको करने के बाद नाश्ता भी करते हैं, देखते हैं नाश्ते में आज क्या बनाया हम जी ने। तो गाइज, मैंने तय कर दिया सभी, ये देखो अब पहले कैसा था, और अब देखो कैसे हो चुका है, सब तय कर दिया मैंने। ये भैया ऐसे चल देता है, सो सो मैं भी तय कर देता हूँ। कुछ नहीं करता ये, तो मैंने कर दिया सब तय। तो चलो नाश्ता करते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपना नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट करने। तो देखो आज मम्मी ने क्या बनाया, तो मम्मी ने तो गाइज पोहा बना रखा है आज, पोहा। और ये कन्हैया का है, ये मेरा है, और ये मेरा दूध है, और मैं पोहे में डाल के खाता हूँ ये नमकीन, क्योंकि इससे थोड़ा मजा आता है नवरत्न नमकीन डालने से, तो मैं तो ये डाल के खाता हूँ। और माँ जी भी आ गए अपने नाश्ता करने। हाँ माँ जी आ गए, तुम अब ऊपर घूमोगी जाके? ठंड हो रही है माँ जी, ठंड हो रही है, ओस पड़ रही है ऊपर, तो आज मत जाना माँ जी ऊपर। और ये भैया अपना कर रहा है शीर्षासन, ये डेली करता है सुबह अपना, डेली नहाने के बाद ये डेली करता है सुबह शीर्षासन। तो गाइस चलो, मैं अब खाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गाइज मैं तो ऐसे खाता हूँ नमकीन डाल के, आप भी खाइए मजा आएगा, कभी ट्राई करके देखना आप भी ऐसे करके। और ये कन्हैया को भी मैं ही खिला रहा हूँ, ले कन्हैया कैसा है कन्हैया? तो कन्हैया को तो मैं ही खिलाता हूँ, और मजा आ गया, आप भी कभी ट्राई करो। तो दोस्तों, मैंने नाश्ता कर लिया है, और कन्हैया को भी मैंने खिला दिया है, तो मजा आ गया नाश्ता का। और
अभी कन्या भी नहा के रेडी हो चुका है, धूप भी आ गया, तो वो धूप ही सेक रहा है ऊपर, और माँ जी भी सब बैठे हैं ऊपर ही। और मैं आज आपको अपने दिखाता हूँ कि हमने घर पे ही ऑर्गेनिक टमाटर उगा रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हो रखे हैं। वो लाल नहीं हो रहे, पता नहीं बहुत टाइम से हो रखे हैं, बड़े तो हो गए हैं पर वो अभी लाल नहीं होने स्टार्ट हुए, मतलब तोड़ नहीं सकते उनको, ऐसे हो गए हैं। तो चलते मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइस कन्हैया तो नहा के बैठ चुका है, धूप ले रहा है कन्हैया, हैं क्या ठंड लग रही है? अब नहीं लग रही ठंड, तो धूप निकल गई है, धूप ले रहा है तू। और ये तो यहाँ पे सब बैठे हैं, ये भैया खड़ा है यहाँ पे, माँ जी भी धूप सेक रही है। हाँ माँ जी निकल गई धूप, हैं? और हंस भी आ गए हैं, हंस कुछ बोल, कुछ बोल भाई, कुछ बोला कर, कुछ नहीं बोलते, कुछ बोल, हाँ कुछ बोल तू कन्हैया। हेलो गाइस, मैं तू आ रहे हो जी भाई, मैं मेरे बड्डू जू का नसर के साथ भी थे, तो लोग आज मिलते चले क्या बोलते हैं तो गाइस ये क्या पत्नी क्या बोलता है? और गाइस वो ये है, वो जो टमाटर मैंने आपको बताए थे, ये देखो ये लाल हुए नहीं है, बड़े तो देखो कितने हो गए हैं, बड़े तो देखो कितने हो चुके हैं। और ये रस्सी इसलिए बांधी है क्योंकि इनका वजन ना इस तरफ झुक जाएगा तो ये गिरेंगे नहीं, बंधे रहेंगे इसमें, तो देखो कितने बड़े हो चुके हैं, पर ये लाल होना स्टार्ट नहीं हुए। ये जब ये बड़े हो जाएंगे तो खाएगा तू तोड़ के, तोड़ के खाएगा? तो गाइस ये तो कह रहा है जब ये बड़े हो जाएंगे तो तोड़ के खाएगा इनको, तो चटनी बना के खाएगा नहीं, और कच्चे कह रहा है गाइस, ये तो कच्चे खाएगा। तो गाइस कन्हैया को है ना ढोल की आवाज आ रखी है, और ये है ना ढोल को है ना ढोल की जैसी आवाज आती है ना इसके कान खड़े हो जाते हैं, और ये है ना ढूंढता फिरता रहता है कि कहाँ पे बज रहा है ढोल। आ रही है कन्हैया आवाज, इधर देख आ रही है आवाज। तो गाइस इसको ढोल की आवाज आ रही है, तो बस ये वही एक्शन करके दिखा रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है ना ढोल वालों के ना हाथ देखता है कि वो कैसे बजाते हैं, तो इसको शौक है ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, तो इसको शौक बहुत है ढोल बजाने का, तो ये वही उनको देख रहा है, कहीं आसपास बज रहा है, यही कहीं आसपास बज रहा है, तो देख रहा है, देख ढूंढता फिर रहा है उनको। गाइस ये देखो कैसे कर, ये देखो कैसे कर रही है, कैसे ढूंढ रहा है, कहाँ पे आ रही है ढोल की आवाज, हैं? बस नीचे उतर, तो ढोल की आवाज आ रही है, हैं कन्हैया? ये देखो नाचना स्टार्ट कर दिया इसने तो, वो कन्हैया गाइस ये तो देखो इसको आवाज पास में और आ गई है, तो ये देखने लगा, गिर मत जाए यहाँ से, ये पता नहीं गली में कुछ क्या कुछ निकल रहा है शायद, कलश यात्रा निकली हुई है, कलश यात्रा कहीं फिर। तो गाइज मैं आ चुका हूँ नीचे, सभी आ गए, कन्हैया भी आ गया, कन्हैया वो बैठा वहां पे, और बस अब खाने का टाइम हो गया, तो खाना भी आ चुका अपना, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये अपना खाना, ये उड़द की दाल है, गुड़ है और रोटी है, और खाते हैं। तो चलते हैं, अब मैं खाता हूँ, फिर आपसे देखते हैं कब मिलता हूँ। तो गाइज खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था, थोड़ी देर क्योंकि ठंड हो रही है तो कंबल में लेट गया था मैं, और अभी शाम के बज रहे 4, कन्हैया भी सो के आ चुका है, आगे कन्हैया सो के तू भी, और ये भैया तो अपनी चाय पी रहा है, और ये परी भी आ रखी है, और ये मम्मी भी अपनी चाय पी रही है। तो बस शाम का तो अभी चाय का ही सहारा है क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही है, अभी भी शीतलहर चल रही है, तो ये भैया तो अभी भी कह रहा है शीतलहर कह रहा है, क्या ये भैया तो अभी भी शीतलहर कह रहा है, तो शीतलहर तो चलेगी, ठंड तो हो ही रही है ज्यादा। तो दोस्तों एक राघव भी आ रखा है खेलने के लिए कन्हैया के साथ, और ये दोनों खेलने लग रहे हैं अभी इस टाइम, मैं दिखाता हूँ आपको क्या खेल रहे हैं। ये क्या खेल रहे हो तुम, हैं क्या खेल रहे बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग लगवा मत लेना, देख इसका अभी लगवा मत लेना चोट, आराम से खेलो, आराम से खेलो लगवा मत लेना चोट। तो गाइस ये ऐसे खेलते रहते हैं जब भी मिलते हैं ना दोनों एक साथ, तो फुल मैं क्या बताऊं आपको, दोनों खेलते रहते हैं जब भी मिलते हैं एक साथ, जब भी राघव आता है तो ये भी बिल्कुल बदमाश हो जाता है कन्हैया भी, और ये देखो दोनों खेलने लग रहे हैं, ये देखो। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9, और हम सबने खाना खा लिया है, और ठंड भी हो गई है, और धीरे धीरे और बढ़ेगी अब ठंड, जैसे कि आप मेरा टोपा देख सकते हैं, तो ठंड भी स्टार्ट हो गई है। और पाजी थोड़ी लकड़ी ले आए थे, तो बस वही अभी आग जलाएंगे थोड़ा, मैंने उसको बोल दिया थोड़ी आग जला ले, हाथ सेक लेते हैं, तो चलते अभी हंसी आग जलाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा हाथ सेकते जाके, उससे क्या है थोड़ा हाथों में खून का सर्कुलेशन बना रहेगा, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है तो जाम से रहते हैं हाथ, तो चलो।
तो गाइज मैं आ चुका हूँ नीचे और ये अंश आग जला ली। अंश ने सही काम करा, तूने आग जला के, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। और अंश कोहरा भी स्टार्ट हो गया ना शायद। हाँ। तो कोहरा भी पड़ना स्टार्ट। स्कूटी चला गया अभी, शाम तक दिखाई दे रहा। तो भैया तो गाइज कोहरा कह रहा है कि कोहरा पड़ रहा है और अंश ने आग जला के सही काम कर रखा है। हाथ सेक रहे हैं फाजी भी यहीं पे, और ये वर्षा कड़ी यहीं पे, और कनिया कहाँ पे अपना बोरा कनिया भी, कनिया हाथ सेक ले। सुबह को लेके आऊंगी। क्या बोला? जैसे वर्षा खड़ी है ना। हाँ। इधर को कोई दिखाई नहीं दे रहा कि इसके, ये दिखेगी भी नहीं कि कहाँ खड़ी है। तो इतना कोहरा हो रहा है। खुलने में ज्यादा लगता है, इतना लाइट चढ़ने से पता नहीं लगता। हाँ। तो गाइज मैं तो आ चुका हूँ हाथ सेक के ऊपर, क्योंकि मुझे तो एडिटिंग करनी है। तो बस मैं तो जा रहा हूँ एडिटिंग करने, और जब वो आग जलने के बाद थोड़ा कोहला हो जाता है तो हम उस आग मतलब उस तस्वीर को आग को अंदर ले आते हैं, जिससे कि माँ जी हाथ सेक ले, क्योंकि माँ जी बाहर ठंड में बैठती है तो ठंड भी बो रही है बाहर। तो हम उसे अंदर ले आए, माँ जी अब अंदर हाथ सेक रही है। तो बस इस, और ये भैया कह रहे हैं कि कोहरा भी आ चुका है बहुत ज्यादा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज़।